लोगों के लिए कितना शुभ भावनाओं से हमें हर रोज मुरलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की मीठी मीठी धारणाओं की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण बच्चों की खुशी है खोराक, तो ये खोराक सदैव खाते रहो, औरों को भी खिलाते रहो। खुशी कब गायब नहीं होनी चाहिए। जितना आप खुशी में रहेंगे उतना औरों को भी वो खुशी का वो वाइब्रेशन पहुंचेगा, तो ये तो बहुत हर्षित मुख रहती है सदा खुशी में। नहीं तो देखो कभी कभी अवस्था का नीचे ऊंचाई होती है, तो कोई की मूड कैसे हो जाती है, तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशन पहुंचता है कि आज इसकी मूड ठीक नहीं है, आज ये ऐसी है, तो वो वाइब्रेशन पहुंचता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बहुत बहुत भाग्यवान बच्चे हो जो बाबा के पास आए हो, बाबा की गोद ली है, तो बाबा तुम बच्चों को संपन्न बना करके साथ में ले जाने चाहते हैं। तो बाबाओं की बाबा की आशाओं को भी हमें पूर्ण करना है ना। बाबा कहते हैं, मेरा एक एक रतन संपन्न बने। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ कब तक कहेंगे, संपन्न तो बनना ही है ना, क्योंकि समय तो अचानक ही होना है। तो इसलिए सदैव ये लक्ष्य रखो कि हमें सदा बाबा की श्रीमत पर चलना ही है। बाबा हमें रोज कितने खजाने देते हैं, ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, खुशियों का खजाना देते हैं, दैवी गुणों का खजाना देते हैं। तो बाबा हमें इतनी प्यार से हमारी पालना करते हैं, तो हम बच्चों का काम है जो बाबा की हम बच्चों में शुभ आशाएं हैं वो हम भी पूरी करके ही दिखाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे हैं।